हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टी फ्लिप फ्लॉप। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करेंगे। साथ के साथ हम टी फ्लिप फ्लॉप के लिए करैक्टरिस्टिक टेबल भी ड्रॉ करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिखेंगे, और सबसे लास्ट में हम टी फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल भी ड्रॉ करेंगे। बट स्टूडेंट्स, जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक्चुअली जेके फ्लिप फ्लॉप में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है। तो अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आखिरकार जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल पता होना चाहिए, सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तभी जाकर आप टी फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टी फ्लिप फ्लॉप एक खास तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि सिर्फ दो ही स्टेट्स में काम करता है। एक होती है मेमोरी स्टेट, जिसमें जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखता है, प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रखता है। जो भी प्रीवियस स्टेट की आउटपुट होगी वही हमें नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट देखने को मिलती है। और दूसरी स्टेट होती है टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट क्या होती है? जब हमारी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट प्रीवियस स्टेट की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होती है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं टॉगल स्टेट। अगर फ्लिप फ्लॉप ने प्रीवियस स्टेट में जीरो स्टोर किया होगा तो टॉगलिंग इफेक्ट के कारण हमें नेक्स्ट स्टेट में वन देखने को मिलेगा, और अगर फ्लिप फ्लॉप ने प्रीवियस स्टेट में वन स्टोर किया होगा तो टॉगलिंग ऑपरेशन के कारण हमें नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट में जीरो देखने को मिलेगा। इसी टॉगलिंग ऑपरेशन के कारण टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। यहाँ पर टी जो है वो टॉगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी फ्लिप फ्लॉप को हम जेके फ्लिप फ्लॉप में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द सिंबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट थी क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, तीन इनपुट थी यहाँ पर जे क्लॉक सिग्नल और ये थी हमारे पास के इनपुट। जेके फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों इनपुट्स को आपस में कनेक्ट करना होगा और इन दोनों इनपुट्स को कनेक्ट करके आपको इसको सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करना होगा। तो इन दोनों इनपुट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, और हमारे पास यहाँ पर जो सिंगल इनपुट होगी वो हो जाएगी टॉगल इनपुट टी। तो ये हो गया हमारा जे और ये हो गया हमारा के। तो अगर टी की वैल्यू जीरो होगी तो जे भी जीरो होगा और के भी जीरो होगा, और टी की वैल्यू अगर वन होगी तो जे भी वन होगा और के भी वन होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये बन गया हमारे पास सिंबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इस सिंबल को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस सिंबल को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप, जिसमें एक सिंगल इनपुट होगी टी और ये होगा क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल के लिए आपको यहाँ पर एरो भी ड्रॉ करना होता है, और ये होंगी आउटपुट्स क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप टी फ्लिप फ्लॉप के सिंबल को चाहे तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे एग्जाम में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आइए अब देखते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ
टी फ्लिप फ्लॉप जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप के सर्किट डायग्राम में मॉडिफिकेशन करके ही बनाया जाएगा। ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। दो आउटपुट्स हैं Qn एंड Qn कॉम्प्लीमेंट और तीन इनपुट्स हैं J क्लॉक सिग्नल एंड K। तो हम क्या करेंगे इस जेके फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए, इन दोनों इनपुट्स को आपस में क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने सिंगल इनपुट दे दी टी। तो ये हो गया हमारे पास जे और ये हमारे पास हो जाएगा के। तो अगर टी की वैल्यू जीरो होगी तो जे भी जीरो होगा और के भी जीरो होगा, और अगर टी की वैल्यू वन होगी तो जे भी वन होगा और के भी वन होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो टी फ्लिप फ्लॉप को हम सिंगल इनपुट जेके फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हमने जेके फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम आप ये बना के आएंगे एग्जाम में, सिंबल आप ये ड्रॉ करके आएंगे टी फ्लिप फ्लॉप का, तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे आइए अब वो देख लेते हैं। A T flip flop is also known as toggle flip flop because of its toggling operation. T flip flop को हम toggle flip flop बोलते हैं। T यहाँ पर toggle को represent कर रहा है क्योंकि T flip flop जो है वो toggling operation perform करता है। Means इसमें हमें next state की जो output मिलती है वो previous state की output का complement देखने को मिलती है। It is a modified form of JK flip flop. टी फ्लिप फ्लॉप को हम जेके फ्लिप फ्लॉप में मॉडिफिकेशन करके बना सकते हैं। और टी फ्लिप फ्लॉप इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग जे एंड के इनपुट्स क्रिएटिंग अ सिंगल इनपुट कॉल टी। तो हम क्या करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की इन दोनों इनपुट्स को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाता है। That is why T flip flop is also called as single input JK flip flop. इसलिए हम T flip flop को single input JK flip flop बोलते हैं क्योंकि हमने इन दोनों inputs को आपस में connect करके एक single input T में convert कर दिया है। तो ये है हमारे पास symbol of T flip flop, ये है circuit diagram of T flip flop। इसके बाद हम draw करेंगे truth table for T flip flop और उसके लिए हम सहारा लेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप का, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप जिसके लिए हम सहारा लेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके ही बनाया जाता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे ट्रूथ टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। तो पहले कॉलम में आप क्लॉक लिखेंगे, क्लॉक या तो जीरो होगी या फिर हाई होगी, और एक सिंगल इनपुट लिखेंगे जो कि है हमारे पास टी, और हमारी जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट होगी उसको आप क्यू एन प्लस वन से लिखेंगे और यहाँ पर स्टेट लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारी क्लॉक जो है वो जीरो है, तो जब क्लॉक जीरो होगी तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो ऑपरेशनल नहीं होगा और ये एज अ मेमोरी काम करेगा। जब हमारी क्लॉक जीरो होती है तो उस केस में जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो प्रीवियस स्टेट में ही रहता है, प्रीवियस स्टेट की आउटपुट को ही स्टोर करके रखता है, मींस एज अ मेमोरी काम करता है। तो टी यहाँ पर जो मर्जी हो तो आपको जो नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट मिलेगी वो प्रीवियस स्टेट के जैसे ही मिलेगी, और हमारी प्रीवियस स्टेट थी क्यू एन, तो इस केस में हमें प्रीवियस स्टेट ही देखने को मिलेगी। जो फ्लिप फ्लॉप ने पहले से स्टोर करके रखा होगा वही हमें नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट में मिल जाएगा। तो टी यहाँ पर डोंट केयर में काउंट किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जब क्लॉक हमारी हाई होगी। क्लॉक हमारी अब हमने हाई कर दी है और टी को हम ले लेते हैं यहाँ पर जीरो। तो टी को हमने यहाँ पर जीरो ले लिया है, तो टी अगर जीरो हो गया तो जे भी जीरो हो जाएगा, और क्योंकि दोनों इनपुट्स आपस में कनेक्टेड हैं तो के भी जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जे भी जीरो होगा और के भी जीरो होगा। तो अगर हम ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप में देखें, जब हमारी क्लॉक हाई होती है और जे और के जीरो जीरो होते हैं तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखता है, एज अ मेमोरी काम करता है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी वो इस केस में भी प्रीवियस स्टेट क्यू एन के बराबर होगी। तो इस केस में भी हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखेगा, मींस एज अ मेमोरी काम करेगा।
तो आइए बात करते हैं जब हमारी क्लॉक हाई होगी और टी हमारा वन होगा। क्लॉक हाई है और टी को हमने वन कर दिया है। अगर टी वन हो गया तो जे भी वन हो जाएगा, दोनों इनपुट्स आपस में कनेक्टेड हैं, और के भी वन हो जाएगा। तो इस केस में जे भी वन हो जाएगा और के भी वन हो जाएगा। तो क्लॉक हाई है, वन है, जे भी वन है, के भी वन है। तो इस केस में जो हमें आउटपुट मिलती है वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलती है, मीन्स क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए प्रीवियस स्टेट की आउटपुट थी जीरो, तो यहाँ पर आपको जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन मिलेगा। अगर प्रीवियस स्टेट क्यू एन हमारी वन थी तो यहाँ पर आपको वन का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जीरो देखने को मिलेगा। और इसी प्रोसेस को, इसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं टॉगल। जो भी मेमोरी में स्टोर होगा फ्लिप फ्लॉप के, उसका कॉम्प्लीमेंट करके आपको नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट में दे दिया जाएगा। और इसी टॉगलिंग ऑपरेशन के कारण टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ड्रॉ कर लिया है ट्रुथ टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद का काम हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने टी फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया था, और ट्रुथ टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप से एक बात तो हमें क्लियर हो गई थी कि जो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है वो सिर्फ दो ही स्टेट्स होल्ड करके रखता है, या तो वो मेमोरी स्टेट होगी या फिर वो टॉगल स्टेट होगी। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद आप एक लाइन नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इट इज क्लियर दैट टी फ्लिप फ्लॉप हैज ओनली टू स्टेट्स, दैट इज मेमोरी स्टेट, सेकेंड इज टॉगल स्टेट। मेमोरी स्टेट में तो ये प्रीवियस स्टेट की आउटपुट को होल्ड करके रखेगा, और टॉगल स्टेट में ये आपको प्रीवियस स्टेट में आपको जो भी आउटपुट मिली होगी उसका कॉम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट में दे देगा। तो अब हम ड्रॉ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल की जरूरत हमें वहां पड़ती है जब हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स जब हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल की जरूरत पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जो हमारी इनपुट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक इनपुट तो हो जाएगी टी, और जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी जो यहाँ से फीडबैक होके यहाँ पर दी जाती है वो भी एज अ इनपुट काम करती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हमारी यहाँ पर दो इनपुट्स होंगी, एक होगी टी और एक होगी हमारी प्रीवियस स्टेट आउटपुट जो कि होगी क्यू एन, और जो हमारी आउटपुट होगी यहाँ पर वो होगी हमारी नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन। तो हमारी यहाँ पर दो इनपुट्स हैं तो हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट इज 4, 0 0 0 1 1 0 0 1 1। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम सहारा लेंगे ट्रूथ टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप का। जब हमारा टी जीरो होगा तो हमारा क्या मिल रहा था हमें, जब हमारा टी जीरो होगा तो उस केस में हमें प्रीवियस स्टेट ही देखने को मिल रही थी, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट थी वो क्यू एन के बराबर ही थी। तो हमारी नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो यहाँ पर क्यू एन के बराबर ही होगी, और क्यू एन यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। जब हमारा टी जीरो होगा, तो हमारी जो प्रीवियस स्टेट है वो मेंटेन रहती है, प्रीवियस स्टेट ही हमें मिलती है नेक्स्ट स्टेट में, और प्रीवियस स्टेट यहाँ पर वन है तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट हमें वन ही मिलेगी। आइए बात करते हैं जब टी इक्वल टू वन होगा, जब टी वन होगा तो हमें नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलती है, मीन्स टॉगलिंग एक्शन देखने को मिलता है। तो मीन्स यहाँ पर हमें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और क्यू एन यहाँ पर जो है वो जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन। और जब टी वन होगा तो उस केस में भी हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलती है, यहाँ पर भी टॉगलिंग एक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्यू एन यहाँ पर वन है तो वन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जीरो। तो ये होंगी हमारी नेक्स्ट स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ कर लिया है टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, बाकी का काम हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करने के बाद अब बारी है टी फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की। तो यहाँ पर हमें दो इनपुट्स हैं, एक है टी एक है क्यू एन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, के मैप का सहारा लेंगे। तो हमें कितनी सेल्स वाला के मैप ड्रॉ करना होगा, हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो हमें 2 की पावर 2 मीन्स 4 सेल्स वाला के मैप यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या देती है, हमें नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू देती है, मीन्स क्यू एन प्लस वन की वैल्यू देती है। तो हमने यहाँ पर 4 सेल्स वाला
के मैप जो है वो ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम क्यू एन लिख लेते हैं, यहाँ पर टी लिख लेते हैं, दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज जीरो दिस इज वन। तो यहाँ पर देखिए जब क्यू एन जीरो होगा टी जीरो होगा तो क्यू एन प्लस वन कितना मिल रहा है हमें, जीरो मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। तो क्यू एन जब हमारे पास जीरो होगा और टी वन होगा तो हमें क्यू एन प्लस वन कितना मिल रहा है, वन मिल रहा है। जब हमारा क्यू एन जीरो है टी वन है तो यहाँ पर हमें वन देखने को मिल रहा है। तो जब हमारा क्यू एन वन है टी जीरो है तो हमें क्यू एन प्लस वन जो है वो वन देखने को मिल रहा है। क्यू एन वन है टी जीरो है तो हमें क्यू एन प्लस वन जो है वो वन देखने को मिल रहा है। और जब हमारे दोनों वन वन हैं तो क्यू एन प्लस वन जो है वो जीरो है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेयर तो बन नहीं रहे तो हम सिंपली इस वन को सर्कल कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे, इन दोनों को सिंपलीफाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी जो कि और कुछ नहीं हमें क्यू एन प्लस वन की वैल्यू देती है। तो इस वन के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इस वन के लिए क्यू एन जो है वो वन है तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू एन, इस वन के लिए टी जो है वो जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में टी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इस वन के लिए क्यू एन जो है वो जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और इस वन के लिए टी वन है तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में टी। तो ये हो गया हमारे पास क्यू एन प्लस वन की वैल्यू जो कि है हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस बुलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एन एक्सॉर एक्सॉर टी। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर करैक्टरिस्टिक टेबल देखने को मिल रहा है 0001 1011 0110 हमें आउटपुट्स मिल रही हैं, तो ये टेबल जो है वो एग्जैक्टली एक्स और गेट सिक्के ट्रुथ टेबल से मैच करता है। तो हमें हम जो हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एन एक्सॉर टी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमें ड्रॉ करना है एक्साइटेशन टेबल, वो हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करेंगे एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल की जरूरत हमें वहाँ पड़ती है जब हमें काउंटर्स की डिजाइनिंग करनी होती है। सपोज वी वॉन्ट टू डिजाइन अ काउंटर विच कैन काउंट अप टू 5, मीन्स हमें काउंटर डिजाइन करना है जो कि 5 तक काउंट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0, 0, 0 से, 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 0, 1 से, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 0 से, 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 11 से, 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, 0, 0 से, और 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, 0, 1 से। तो यहाँ पर ये हमारी प्रीवियस स्टेट है और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है, ये हमारी प्रीवियस स्टेट है क्यू एन और ये हमारी है नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन। नेक्स्ट के लिए ये हमारे पास हो जाएगा प्रीवियस स्टेट, ये क्यू एन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू एन प्लस वन। तो नेक्स्ट स्टेट के लिए हमारे पास ये हो जाएगी प्रीवियस स्टेट और ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन। तो काउंटर्स डिजाइन करते समय हमें क्यू एन पता होता है, प्रीवियस स्टेट पता होती है और नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन पता होती है। तो प्रीवियस स्टेट ये वाली और नेक्स्ट स्टेट ये वाली ऑब्टेन करने के लिए आपको इनपुट क्या सेट करनी होगी, यही हमें एक्साइटेशन टेबल बताता है। तो एक्साइटेशन टेबल की जो इनपुट्स होंगी वो होंगी हमारे पास प्रीवियस स्टेट क्यू एन और नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन, और एक्साइटेशन टेबल के लिए जो हमारी आउटपुट होगी वो होगी हमारे पास टी। तो ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन दो इनपुट्स हैं तो यहाँ पर चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहले वो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लीजिए 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। तो क्यू एन और क्यू एन प्लस वन हमें पता है तो टी क्या होगा, ये हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ करैक्टरिस्टिक टेबल। जब हमारा क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन जीरो है तो उस केस में टी हमारा जीरो है तो यहाँ पर टी जीरो आ जाएगा। जब हमारा क्यू एन जीरो है, क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन वन है तो उस केस में टी हमारा वन है तो यहाँ पर वन आ जाएगा। जब हमारा क्यू एन वन है, क्यू एन वन है और क्यू एन प्लस वन जीरो है, क्यू एन प्लस वन जीरो है, ऐसी कंडीशन कहाँ पर मिल रही है आपको, क्यू एन वन है और क्यू एन प्लस वन जीरो है, ये कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी टी की वैल्यू है वो वन है, और दोनों वन वन कब हैं, क्यू एन वन है और क्यू एन प्लस वन भी वन है, वो इस केस में है जिसके लिए टी हमारा जीरो है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। तो स्टूडेंट्स अब हमारे
चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, इनको हम पूरी डिटेल में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। इसके आने वाली वीडियोस में हम कन्वर्जेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, जिसमें हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब कुछ देखा जाएगा। बट उसके लिए आपको इन चारों फ्लिप फ्लॉप्स की कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तभी आप वो टॉपिक्स जो हैं वो समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जेंस के साथ। टिल देन टेक केयर।